मुजफ्फरपुर विधायक विजेन चौधरी ने पुलिस प्रशासन से की स्वर्ण व्यवसायी के हथियारों को सजा दिलाने की मांग। सिवान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने तेजस्वी को बताया संवेदनहीन, शहाबुद्दीन की पत्नी बेटे को राजद छोड़ने की दी सलाह। नवादा वन प्रमंडल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर पटना हाईकोर्ट नाराज, सरकार से चार हफ्तों में मांगा जवाब, कौवा कोल का भी उठा मुद्दा। हाजीपुर में मूसलाधार बारिश में सदर अस्पताल बना तालाब, कोविड टीकाकरण केंद्र में शिफ्ट हुआ इमरजेंसी वार्ड। अब स्वास्थ्य विभाग का नया पैंथरा ब्लैक फंगस से मौत की रिपोर्ट पर बीमारी का जिक्र नहीं, कोरोना की तरह ही आंकड़े छिपा रहा विभाग। समस्तीपुर में ननिहाल जा रही युवती की गोली मारकर हत्या, मेहंदी से हाथ पर लिखा था अंकित झा का नाम। सोमवार को पटना में डेढ़ फीट पानी पार कर घोसवरी प्रखंड के मोहनपुर गांव स्थित मध्य विद्यालय में टीकाकरण के लिए पहुंची टीम। 80,000 रुपए घूस लेते बीईओ अरेस्ट, आरा के पीरों में निगरानी विभाग ने बीईओ को रंगे हाथ पकड़ा, ऑफिस के किसी भी स्टाफ को भनक नहीं लगी। खत्म हुआ इंतजार, कल से करिए पटना के पार्कों की सैर व जू के जानवरों का दीदार। ठनका गिरने से एक की मौत, बगीचे में आम चुनने गए दो चचेरे भाइयों पर गिरा ठनका, एक मासूम की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। बिहार के सभी प्रखंडों में खुलेंगे प्रदूषण जांच केंद्र, 3 लाख रुपए तक की सहायता देगी राज्य सरकार। थानेदार और सीओ के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग, तुरकौलिया में जमीन मापी के दौरान दो पक्षों में हुआ विवाद, झड़प के बाद गर्जी बंदूक, एक ही पक्ष के 3 घायल। बीच गंडक में मोटर बोट का इंजन फेल, नदी में अटकी लोगों की सांसें, एसएसबी और एपीएफ ने किया मुझधार में फंसे लोगों का रेस्क्यू। दिल्ली में बिहार के तीसरे भवन का उद्घाटन, 10 मंजिला और 118 कमरे वाले बिहार सदन का सीएम ने किया उद्घाटन, कहा बिहार के लोगों को सुविधा होगी। सीएम नीतीश कुमार आज जाएंगे दिल्ली, पीएम मोदी से मिलने पर हाना केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू होगा शामिल, बिहार बीजेपी से कुछ बदलाव भी संभव। दानापुर रेलवे स्टेशन में आग लगी, शॉर्ट सर्किट के कारण टिकट बुकिंग कार्यालय में लगी आग, फर्नीचर व रिकॉर्ड बुक राख, कैश सुरक्षित। बिहार पर मंडराया बाढ़ का खतरा, भागलपुर में उफनाई गंगा, कोसी व गंडक का जल स्तर भी बढ़ा। जनजीवन अस्त व्यस्त, पटना में गंगा और पुनपुन नदी का उफान थमा, सोन का जल स्तर बढ़ा। मगध रेंज में 2,269 पुलिसकर्मियों का तबादला, 5 जिलों में 6 साल से ऊपर से जमे 1500 से अधिक सिपाही हवलदार, 500 से अधिक एएसआई इधर उधर हुए। नेपाली बांध ने भारतीय गांव की मुश्किल बढ़ाई, गंडक किनारे नेपाल ने एस्पर बांध बनाया तो बदली नदी की धार, बघा के 4 गांव में घुसा पानी, एसडीएम से मिले लोग। बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंटल में ग्रेस देकर किया पास, छात्र हित में लिया गया निर्णय, कोरोना के कारण रद्द हुई थी परीक्षा, अब इंटर में पासिंग प्रतिशत 85.53 पहुंचा। पटना में एक दिन में 56,000 कुछ ही का, आपने नहीं ली है वैक्सीन तो आपके लिए भी अच्छा मौका, मेगा कैंप में रजिस्ट्रेशन की झंझट 2 मिनट में होगी दूर। पटना में बाढ़ जैसे हालात, फिर भी हौसला बुलंद, सड़क पर डेढ़ फीट पानी में चलकर टीकाकरण के लिए जा रही टीम, बारिश से टीकाकरण भी प्रभावित। वैक्सीनेशन में देश के टॉप 10 शहरों में पटना, मौत के आंकड़ों पर पर्दा डालने से चर्चा में आने वाले बिहार को उपलब्धि, मुंबई और कोलकाता की तरह पटना को भी मिली जगह। नालंदा में एसडीओ ऑफिस के क्लर्क के घर भीषण चोरी, ससुर के श्राद्ध कर्म में शामिल होने गए थे, चोरों ने ताला तोड़, 15 लाख के जेवर उड़ाए, 48 घंटे में 3 घरों में डाका। ऑक्सीजन सिलेंडर की हुई बरामदगी, गया के एमएमसीएच से चोरी किए गए 112 सिलेंडर में 63 मिले, 49 का अब तक नहीं चला है पता। मंगल तालाब में डूबने से युवक की मौत, पटना सिटी में पैर फिसलने से युवक तालाब में डूबा, पानी में कूद पड़े लोग, इलाज के दौरान मौत। गया की फ्लाइट पर कोरोना का ब्रेक, एयर इंडिया के बाद इंडिगो ने भी 21 जुलाई तक बंद की गया दिल्ली की फ्लाइट, यात्री दूसरे रूट से करा रहे नई बुकिंग। मोदी कैबिनेट विस्तार की सुबुगाहट के बीच आरजेडी का सीएम नीतीश पर हमला, विधायक बोले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पास गए हैं ताकि उनके दल के एमपी को भी शामिल कर लिया जाए। चिराग का छल का दर्द, पत्र लिखकर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, चाचा पशुपति पारस पर भी लगा आरोप।
नौकरी बचाने की गुहार। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ड्राइवरों का सवाल, 11 सालों से पुलिस विभाग में कर रहे हैं नौकरी, अब क्यों हटाया जा रहा है। हादसे में सचिवालय के एक स्टाफ की मौत। हाजीपुर से ऑफिस आने के लिए निकले थे दोनों, हाईवे पर बेलगाम ट्रक ने कुछ लाभ, दूसरे की हालत गंभीर। एलजेपी चिराग की थी, उनकी ही रहेगी। एलजेपी में पारस कुट के नेता बोले, लोजपा टूटी नहीं है, उसे बचाया गया है, पूरी पार्टी एनडीए के साथ है। समस्तीपुर में विवाहिता की गोली मारकर हत्या। 20 साल की रानी को घर से बुलाया और कनपट्टी पे दाग दी गोली। 5 साल पहले शादी हुई, 3 साल से जारी था तलाक का केस। सड़क हादसे में एक की मौत। सारण में तेज रफ्तार बोलेरो ने 25 साल के बाइक सवार को रौंदा मौत, दोस्त घायल। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना, पीएम मोदी से मिलने पर हाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू होगा शामिल, बिहार बीजेपी से कुछ बदलाव भी संभव। सासाराम में बिहार और झारखंड को जोड़ने वाला सोन नदी पर बन रहा पहला पुल, कई क्षेत्रों की दूरियां आधे से भी होंगी कम। बगहा में 3 अजगरों के निकलने से मची अफरातफरी, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। मुजफ्फरपुर में 3 माह के लिए बहाल मानव बल को हटाने का मामला पहुंचा कोर्ट, सरकार को अब देना होगा जवाब। महाभारत में बदली चिराग पारस की लड़ाई, चाचा पारस ने कहा, 5 पांडव हैं हमारे, 5 सांसद, चिराग करें आशीर्वाद यात्रा, मेरा भी है आशीष। कैमूर जिला पदाधिकारी ने की कृषि टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक, दिए निर्देश। रेप मामले में सीनियर डीएसपी की पत्नी का बयान दर्ज, गया सिविल कोर्ट पहुंची। कमलकांत प्रसाद की पत्नी ने कहा, पीड़िता को न्याय दिलाकर दम लेंगे। मौत के बाद राजवाड़ा कोल्ड स्टोरेज के पास बवाल, बेगूसराय में करंट लगने से युवक की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही पर भड़के लोग, सड़क जाम कर प्रदर्शन। अटकलों के बीच विशेष विमान से सीएम नीतीश दिल्ली रवाना, पीएम मोदी से मुलाकात पर स्थिति साफ नहीं। पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह बोले, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू होगी शामिल। बिहार के छोटे दलों में डर का माहौल है, कांग्रेस विधायकों की परेड करा रही तो एमआईएम के 5 एमएलए साथ में चलते हैं, पूर्व सीएम मांझी और सहनी भी हैं खामोश। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, पीएमसीएच के नोटिस से बवाल। नर्सिंग स्टाफ को कोरोना काल में बनाया वॉरियर, अब कहा खाली करो आवास। महामारी में दवाओं का अभाव, अस्पतालों को 2 दिन से नहीं मिला ब्लैक फंगस का इंजेक्शन, संकट में मरीज। IGIMS और एम्स में ज्यादा मरीज, वहां भी आपूर्ति नहीं। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की अनूठी पहल, रोहतास में 100% टीकाकरण के लिए उपप्रमुख ने टीका, लो वृक्ष पाओ अभियान चलाया, 300 लोगों के बीच बांटे फलदार पौधे। टेम्पो पलटने से 8 युवक घायल, औरंगाबाद में गोह रफीगंज पथ पर असंतुलित होकर पलटा टेम्पो, 8 युवक घायल, पीएचसी में चल रहा इलाज। बिहार में 2 दिन बाद वैक्सीनेशन का डेटा आया, 18 जून का अपडेट, डेटा 21 को किया जारी, 5,83,000 नए नंबर जोड़े, फिर भी नहीं समझाया गणित, 2 दिनों में 7,47,000 का बड़ा अंतर। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।